किसी ने क्या खूब कहा, एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने देखने की हिम्मत को ही जिंदगी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बिगिन लाइफ आफ्टर 50 में आप सबको स्वागत है। मैं अमिता आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी आप सबके लिए। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी, अगर जिंदगी में सपने टूट जाता है तो हार मत मानना, बल्कि एक नए सपने के साथ वापसी करना है और उसे पूरा करके दुनिया में एक मिसाल बनना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का एक सपना देखता था कि वो बड़ा होकर अपनी पसंदीदा क्लब रियल मैड्रिड के लिए फुटबॉल खेलेगा, बहुत बड़ा गोलकीपर बनेगा। उसका इंटरेस्ट देखकर उसके पेरेंट्स ने उसे कोचिंग के लिए भेज दिया। वो लड़का सारा दिन खेलता था, कठिन अभ्यास करता था। कोच ने भी पूरी शिद्दत के साथ उसे ट्रेनिंग दी। 20 साल होते होते उसका बचपन का सपना सच होने लगा था। वो इतना कमाल की परफॉर्मेंस थी कि एक ऐसा दिन आया उसे रियल मैड्रिड वाले ने अपने टीम में शामिल करने वाले थे। लेकिन एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। वो अब कभी फुटबॉल खेलना तो दूर, चल भी नहीं सकता था। बचपन का सपना उसका टूट गया। वो मायूस था, उदास था। 1.5 साल वो हॉस्पिटल में रहा। पहले तो उसे अपने हालात को देखकर रोना आता था, मगर उसने हार नहीं मानी। अपने दर्द को कम करने के लिए उसने आंखों में आंसू और हाथ में कलम लेकर गाना लिखना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे लिखता गया और धुन बनाते गया और गुनगुनाने लगा। एक नर्स ने उसे एक गिटार पकड़ा दिया। कभी गिटार को जो हाथ ही नहीं लगाया था, वो धीरे धीरे गिटार बजा के अपने ही गाना गाता रहा। 1.5 साल बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो धीरे धीरे अपने जीवन को एक नए सिरे से जीना शुरू किया। 5 साल बाद वो एक म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। उसका वो गाना था लाइफ गोज ऑन द सेम वे। उन्होंने फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया, लेकिन अपना गाने के सहारे म्यूजिक के इतिहास में टॉप 10 सिंगर में से एक बन गया, जिसकी 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्बम बिक चुकी है। एक कहानी है इंटरनेशनल फेम स्पेनिश सिंगर जूलियो इग्लेसियस की। एक कहानी हमें सिखाते हैं कि अगर लाइफ में एक सपना टूट जाता है तो हार नहीं मानिए, नए सपने देखिए, उसे पूरे करने के प्रयास में लग जाइए। मुस्कुराते हुए, लाइफ के जश्न मनाते हुए एक दिन आप जरूर जीत जाएंगे। हार को हरा दे इसके पहले कि हार आपको हरा दे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।